टीडीपी के राममोहन नायडू को मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन यानी विमानन मंत्रालय दिया गया है। 2014 में जब टीडीपी एनडीए सरकार का हिस्सा थी तब भी यह विभाग टीडीपी के जिम्मे था। पिछली सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। राममोहन नायडू से बात की है मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने। हमारे साथ में राममोहन नायडू साहब मौजूद हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर के तौर पर आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी इस बारे में जरा बताइए। पहली प्रायोरिटी होगी कि मंत्रालय की जान पहचान होए, रिव्यू मीटिंग करेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या इमीडिएट दिक्कतें हैं, उसको किस तरह से हम टैकल करें और हमारे जो भी निर्णय हम लेंगे उसमें एट द कोर तो हमारा रहेगा आम आदमी को बेनिफिट कैसे पहुंचे, आम आदमी की जो दिक्कतें हैं अगर कुछ है तो उसको कैसे सुलझाए, यही हमारा मोटिव। डीए में सबका शामिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा सोच नहीं है कि हमारा कि यही मंत्रालय इसी में ये होना चाहिए वो होना चाहिए। हमारा आंध्रा की तरफ से हमारा मकसद ये था कि केंद्र से पूरी तरह से मदद हमें मिलनी चाहिए, तो चाहे जो नहीं था आपका केंद्र से जो मंत्रालय हम चाहे एक हो दो हो तीन हो, जैसे हमारे एमओएस भी है उसमें दो तीन मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, दो तीन भी हमारे पास हो, हम तो यही चाहेंगे कि बाकी सारे जो मंत्रालय हैं उनका भी हमें मदद मिले। तो मंत्रालय की जिम्मेदारी लेने के बाद ये तमाम नए मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी हम लगातार एबीपी न्यूज पर आपको सुनवा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।